नमस्कार, वेलकम टू चैनल फ्लाबिया। आज का विषय है एलोवेरा जेल। फ्लाबिया फ्रेश आपके हाथों में तीन तरीके से एलोवेरा जेल प्रदान करती है। पहला, एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल यानी कि हेल्थ सप्लीमेंट। दूसरी, एलो लाइन प्लस सोप। और थर्ड, एलोवेरा जेल यानी कि नारिशिंग जेल। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लाबिया एरोमा क्वीन नारिशिंग जेल के बारे में, यानी कि एलोवेरा जेल के बारे में। ये जेल हम लोग स्किन और हेयर में भी यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगी कौन सी प्रोसेस के द्वारा ये जेल हम लोग हमारे स्किन और हेयर के ऊपर यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बताएंगे फ्लाबिया फ्रेश की एलोवेरा जेल कैसे तैयार होती है, यानी कि इसमें कौन से सामग्री दिया जाता है। सबसे पहले एलोवेरा पल्प यानी कि घृत कुमारी, उसके बाद जोजोबा, फिर ट्री ट्री ऑयल, फिर लैवेंडर और ग्रेप सीड ऑयल भी हम लोग इसमें डालते हैं। तो सबसे पहले मैं और एक बात बता देना चाहती हूँ, आजकल लगभग सभी के घर में एलोवेरा पौधा लगा हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार जाके वो प्लांट में से एक लीफ निकाल के फिर उसी के जेल को हम लोग स्किन में और हेयर में अप्लाई करते हैं। ये कोई खराब प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है, बहुत सारे किस्म के एलोवेरा मिलते हैं। कौन कौन से एलोवेरा हमारे स्किन और हेयर के लिए यूजेबल है, यानी कि हेयर और स्किन को फायदा पहुंचाते हैं, ये हमें मालूम नहीं। किसी भी पौधे से अगर हम लोग पत्ता को काट करके लाके यूज करते हैं, हो सकता है कि ये आपके स्किन के लिए हानिकारक भी हो सकता है या फिर फायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये सारे रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप रेडी टू यूज फ्लाबिया फ्रेश की एलोवेरा जेल है, उसी को अपने स्किन के ऊपर और अपने हेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एलोवेरा जेल ऑल स्किन टाइप के ऊपर जाएगी, जैसे कि ड्राई स्किन के ऊपर, ऑयली स्किन के ऊपर, कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर, नॉर्मल स्किन के ऊपर, सारे स्किन में हम लोग ये एलोवेरा जेल को अप्लाई कर सकते हैं। अब तक मैं जितने भी एरोमेटिक ऑयल्स का नाम बताई हूँ, ये सारे ऑयल्स बहुत ही पावरफुल है। ये सारे ऑयल्स को कभी भी डायरेक्ट अपने स्किन में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। कोई कैरियर ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर के साथ या फिर एलोवेरा जेल के साथ आप इसे अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो पहला ऑयल है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल में है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई, साथ ही साथ इसमें है सम मिनरल्स जैसे कि जिंक, क्रोमियम, और उसके साथ है इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ इसमें है प्राकृतिक मॉइस्चराइजर, जो कि प्रदूषण से आने वाली हमारे स्किन के ऊपर आने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हटाने में मदद करती है, और साथ ही साथ हमारे स्किन को रिंकल फ्री रखने में मदद करती है, यानी कि समय से पहले आने वाली बढ़ते उम्र की जितने भी लक्षण होते हैं उसको हटाने में सहायता करती है। और जोजोबा ऑयल हमारे स्कैल्प्स में से डैंड्रफ को हटाने में सहायता करती है, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं इसमें जिंक है, जिंक डैंड्रफ को खत्म करने में बहुत ज्यादा सहायता करती है। इसके बाद है टी ट्री ऑयल। ये ऑयल भी बहुत ही लोकप्रिय ऑयल है। इसमें भी है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल के गुण, यानी कि हमारे स्किन में आने वाली कील, मुहासे या फिर पिंपल को हटाने भी बहुत मदद करती है। जब ये टी ट्री ऑयल और एलोवेरा जेल का कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये हमारे एक्ने को या फिर पिंपल को हटाने में बहुत जल्द मदद करती है, और साथ ही साथ हमारे स्किन में आने वाली किसी भी प्रकार के रैशेज हुआ या फिर दाद हुआ, खाज, खुजली हुआ या फिर मासा, जिसको हम लोग मासा बोलते हैं, मासा को भी मिटाने में ये ऑयल बहुत ज्यादा मदद करती है। साथ ही साथ हेयर में अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो हेयर में जितने भी हेयर लाइज का जितना भी प्रॉब्लम रहता है उसको भी मिटाने में मदद करती है, साथ ही साथ हेयर को हेल्दी बनाने में भी सहायता करती है टी ट्री ऑयल। इसके बाद है लैवेंडर ऑयल। ये ऑयल में है बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक गुण। किसी भी प्रकार के जख्म हुआ या फिर बर्न हुआ, जैसे कि किचन में काम करते हुए अगर आपका उंगली कट हो जाता है या फिर हाथों में बर्न आ जाती है, तो बहुत जल्द ये ऑयल वो बर्न को या फिर जख्म को
मिटाने में सहायता करती है। और लेवेंडर ऑयल का एक खास काम है सन से होने वाली आपके स्किन के ऊपर जितने भी टैन यानी कि सन टैन को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ ये लेवेंडर ऑयल की खुशबू इतनी अच्छी है जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी सहायता करती है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहायता करती है। और लेवेंडर ऑयल उसके साथ अगर हम लोग ऑलिव ऑयल अगर मिला के हेयर में लगाते हैं तो फॉलिकल स्ट्रेंथन होते हैं, यानी कि आपके हेयर के हेल्थ को भी अच्छे करने में मदद करती है लेवेंडर ऑयल। उसके बाद है ग्रेप सीड ऑयल यानी कि अंगूर के बीज का तेल। इसमें ओमेगा फैटी एसिड पाए जाते हैं और विटामिन ई पाया जाता है। ये दोनों का कम्बिनेशन हमारे स्किन के ऊपर टॉनिक जैसा काम करती है। और इसमें है गामा लिनोनिक एसिड जो हमारे स्किन को फ्री रेडिकल्स के हाथों से बचाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करती है। और इसमें मौजूद विटामिन ई हमारे हेयर के हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप बात करेंगे मेन इंग्रेडिएंट यानी कि एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा हमारे हेल्थ के लिए, हेयर के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, इसीलिए एलोवेरा को पैनेसिया प्रोडक्ट भी कहा जाता है। एलोवेरा में है ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट, साथ ही साथ है ढेर सारे एंजाइम्स और उसके साथ है विटामिन ए बी सी ई और के जो हमारे हेयर स्किन और हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और इसमें है सैलिसिलिक एसिड जो कि पिंपल के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करती है जो मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है सैपोनिन जो कि एक क्लींजिंग कंपोनेंट है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन को फ्लश आउट करने में मदद करती है। साथ ही साथ स्किन में आने वाली किसी भी प्रकार के दाग धब्बे ब्लेमिशेज फ्रेकल्स या फिर झाइया किसी भी प्रकार के पिंपल के दाग हो चाहे किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो उसको मिटाने में मदद करती है। एलोवेरा हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करती है, साथ ही साथ एलोवेरा हमारे स्किन को गहराई से पोषण देने में मदद करती है। एलोवेरा हमारे हेयर के लिए भी बहुत हेल्दी है। एलोवेरा हमारे हेयर की जितने भी फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है उसको मिटाने में मदद करती है, साथ ही साथ डैंड्रफ को कंट्रोल करने में मदद करती है, बालों के जो जड़ है यानी कि फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन होने में मदद करती है और बालों को लंबा होने में भी सहायता करती है। अब मैं बताऊंगी फ्लाविया एरोमा क्वीन नरिशिंग जेल को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। एकदम नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं, घर में CTM करने के बाद यानी कि क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करने के बाद भी हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो जिनका ऑयली स्किन है वो क्लींजिंग करने के बाद टोनिंग करने के बाद डायरेक्ट एलोवेरा जेल को स्किन में अप्लाई कर सकते हैं या फिर मॉइस्चराइजर के साथ डाइल्यूट करके भी इसे हम लोग स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। नहीं तो CTM करने के बाद यानी कि मॉइस्चराइजर लगाने के 5 मिनट बाद भी डायरेक्ट स्किन के ऊपर हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मेकअप करने से पहले एज ए प्राइमर हम लोग एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं। एक डब्बा किचन में भी रख दीजिएगा, कभी कभार किचन में काम करते हुए अगर उंगली कट हो जाएगा या फिर ऑयल आके हाथ बर्न हो जाएगा तो जल्दी से थोड़ा सा एलोवेरा जेल उसी जगह पे आप लोग लगा दीजिएगा, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। जब आप बाहर जाओगे डेफिनेटली सन प्रोटेक्शन लोशन तो यूज करोगे ही, घर में आते ही CTM करने के बाद जरूर अपने हाथ पांव फेस ओपन एरिया में एलोवेरा जेल लगा लेने से सन टैन बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं। बच्चे लोग को नैपी रैशेज, जो भी बच्चे लोग डायपर पहनते हैं उनको कभी कभार नैपी रैश हो जाते हैं, तो वहां पर भी हम लोग फ्लाविया एरोमा क्वीन जो एलोवेरा जेल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो एलोवेरा जेल है उसको हम लोग हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे स्किन के ऊपर आने वाली किसी भी प्रकार के रैशेज, घमोरिया, पिंपल, एक्ने या फिर दाग, खाज, खुजली, एक्जिमा या फिर सोराइसिस को भी मिटाने में मदद करती है। और इसका खास काम है स्किन को हेल्दी बनाना, आन इवन टोन को नॉर्मलाइज करना और स्किन को ग्लोइंग करना। आप मैं बताऊंगी कुछ पैक के बारे में जो यूज करने से आपको और भी ज्यादा फायदा मिलने वाली है। जिनके पिंपल होते हैं यानी कि पिंपल पोन स्किन को हम लोग कभी भी स्क्रब करने के लिए नहीं बोलते हैं यानी कि स्क्रब करने के लिए मना करते हैं,
लेकिन अभी मैं एक स्क्रब के बारे में बताऊंगी जो अगर आप पिंपल, जिनके स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल है, अगर वो भी यूज कीजिएगा तो भी उनके स्किन के ऊपर हानि होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए चीनी, थोड़ा सा सुगर, जिनको मिक्सी में हमें एकदम महीन तरीके से ग्राइंड करना पड़ेगा, एकदम महीन तरीके से, खुरदुरा होना नहीं चाहिए। उसके साथ मिलाइएगा फ्लाविया फ्रेश का एरोमा क्वीन जो एलोवेरा जेल है उसको, और साथ ही साथ अगर आपके पास फ्लाविया फ्रेश की सी बाकथ्रोन है तो हाफ टेबल स्पून सी बाकथ्रोन उसमें मिला सकते हैं। तो क्या क्या मिलाइएगा, सुगर को डस्ट कर लीजिएगा, एक चम्मच सुगर, उसके साथ एक चम्मच एलोवेरा जेल और साथ ही एक चम्मच सी बाकथ्रोन, तीनों एक साथ मिला के आप फेस वॉश कर लीजिएगा, फिर ये पैक को अप्लाई कीजिएगा। 5 मिनट रखने के बाद हल्के तरीके से मसाज करके धो लीजिएगा, लेकिन ख्याल रखिएगा सुगर दानादार होना नहीं चाहिए, एकदम महीन होनी चाहिए। इसको करने से क्या होगा, पिंपल का जितना भी प्रॉब्लम है वो तो हट ही जाएगा, साथ ही साथ पिंपल से आने वाली जितना भी ब्लैक पैचेस होता है वो भी मिटाने में खत्म कर देगी ये जो एलोवेरा जेल है, साथ ही साथ आपके स्किन को और भी ज्यादा ग्लो करने में मदद करेगी। उसके बाद है, ये पैक भी है ऑयली स्किन के लिए, थोड़ा सा मुल्तानी पाउडर जो फ्लाविया फ्रेश के पास है वो ले लीजिएगा, साथ में लीजिएगा एक चम्मच एलोवेरा जेल जो फ्लाविया फ्रेश के रेडी टू यूज एलोवेरा जेल है, दोनों एक साथ मिला लीजिएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा रोज वाटर उसके साथ आप लोग मिला सकते हो। फेस वॉश करके ये पैक अपवर्ड स्ट्रोक में लगाने के बाद 15 मिनट तक वेट कीजिएगा, फिर नॉर्मल तरीके से जैसे पानी से हम लोग चेहरा क्लीन करते हैं उसी तरीके से क्लीन कर लीजिएगा। ये है ऑयली स्किन के लिए, और नॉर्मल स्किन के लिए एक पैक में बताऊंगी, ये पैक नहीं है, मतलब पहले मैं बता देती हूँ। लीजिएगा फ्लाविया फ्रेश की एरोमा क्वीन एलोवेरा जेल एक चम्मच, उसके साथ लीजिएगा हाफ टेबल स्पून रोज वाटर और 5 to 10 drops जैतून ऑयल। ये तीनों सामग्री एक साथ मिला के फेस वॉश करके रात के टाइम में पूरा ऑल ओवर स्किन में और गले में आप लोग लगा सकते हो। लगाने के बाद पूरी रात इसी तरीके से आपको ये पैक बोलिए, चाहे सिरम बोलिए या फिर नाइट क्रीम बोलिए, जो जी में आए बोल सकते हैं, इसको लगा के आप लोग रख दीजिएगा। फिर सुबह उठ के फेस वॉश करने के बाद आप लोग कोई भी काम कीजिएगा। ये पैक लगाने के बाद आप बाहर या फिर धूप में या फिर किचन में मत जाइएगा। ये जो है सीरम, जिसको हम लोग सीरम बोलते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। ये फ्रेकल्स को भी मिटाने में सहायता करती है, आपके रिंकल्स को घटाने में मदद करती है, किसी भी प्रकार के दाग धब्बा हुआ उसको मिटाने में सहायता करती है, साथ ही साथ आंखों के नीचे आने वाली डार्क सर्किल को भी मिटाने में सहायता करती है। और ये जो पैक्स अभी तक हमने बताए हैं ये पुरुष और महिला सभी लोग यूज कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, जो थर्ड वाली जो पैक के बारे में हमने बताए हैं यानी कि सीरम के बारे में, हमारे बहुत सारे पुरुष दोस्त इसे यूज किए हैं और हमें बहुत ज्यादा फीडबैक दिए हैं कि मैम हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला है। अगर आप लोग में कोई अगर इसे यूज ऑलरेडी कर चुके हैं तो हमें बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आया। और ड्राई स्किन के लिए मैं बता दूं, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिएगा और उसके साथ फ्यू ड्रॉप्स 5 to 10 drops जैतून ऑयल, जो फ्लाविया फ्रेश का जैतून ऑयल है, उसको एक साथ मिला के भी आप ड्राई स्किन वालों यूज कर सकते हो। और हेयर के लिए मैं एक बात बता दूं, एलोवेरा जेल के साथ आप क्या कर सकते हो, पहले भी हम बता चुके हैं, एलोवेरा जेल के साथ हम लोग हेयर में स्पा कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए फ्लाविया फ्रेश की एलोवेरा जेल, आपके हेयर की लेंथ के अनुसार 2 या 3 चम्मच, साथ ही साथ 1 या 2 फ्लेक्सीड ऑयल, उसको कट करके भीतर का जितना भी ऑयल्स है उसको निकाल लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ चाहिए 1 चम्मच रोज वाटर और साथ ही साथ 1/2 टेबल स्पून या फिर जिनका ड्राई हेयर है वो 1 टेबल स्पून भी जैतून ऑयल ले सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिला के स्कैल्प से लेके पूरा हेयर के एकदम एंड तक आप लगा लो, 1/2 घंटा से 45 मिनट तक उसको स्टे करो, फिर फ्लाविया फ्रेश की कोई भी शैम्पू के साथ उसे धो लो, फिर लेकिन आपको स्पा कंडीशनर अप्लाई करनी चाहिए। ये सारे पैक जितने भी अभी तक हमने बताए हैं सारे यूज कीजिए, करने के बाद हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये तो हो गया एलोवेरा का जो बाहरी तरीके से इसका देखभाल, लेकिन अगर आप फ्लाविया फ्रेश की एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल रोज इंटेक करते हो
तो आपका हेल्थ अंदरूनी तरीके से भी और भी हेल्दी रहेगा और आपका स्किन और हेयर अंदरूनी तरीके से और भी हेल्दी होता जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको बहुत सारा पानी पीनी पड़ेगी और हाइजीन भी मेंटेन करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।